नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा वर्मा है। मैं आज आप सभी के सामने योगा से वेट लॉस करने के बहुत ही आसान 5 आसन बताने जा रही हूँ। ये आसन आप अपनी रोज भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत आसानी से प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बढ़ते वज़न को भी आप संभाल सकते हैं। तो पहला आसन जो मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, इसे इंजन दौड़ क्रिया कहते हैं। ये आपको एक जॉगिंग की तरह लगेगा, पर इसमें आपके साथ, आपके पैरों के साथ, आपके हाथों का और आपकी सांसों का भी प्रयोग हो रहा है, जो आपके शरीर को हर तरह से स्वस्थ और एक्टिव रखने में काम करेगा। तो शुरू करते हैं इंजन दौड़ से। दोनों हाथों को सामने रखें, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा ऊपर। धीरे से एक नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे। धीरे से रिलैक्स, दोनों हाथों को कमर पे रखें, एक गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य करें। इस इंजन दौड़ क्रिया को आप 10 से 15 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है वो इसको ना करें। दूसरा चेक है आपका सर्वांग पुष्टि। दोनों पैरों में बराबर अंतर रखें, दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को आपस में बांध लें। धीरे से सांस भरते हुए नीचे झुकें और दाईं तरफ से वापस पूरा सर्कल करते हुए, घुमाते हुए वापस नीचे सांस छोड़ दें। एक बार फिर सांस भरें, पूरा राउंड करके सामने एक्सहेल कर दें। यही दूसरी साइड से। धीरे से दोनों पैरों को सामान्य स्थिति में लाएं। ये क्रिया आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर आपको इसको करते में चक्कर आता है तो वहीं रुक जाएं और कुछ समय के लिए शवासन में लेट जाएं या बैठ जाएं। तीसरा त्रिकोण आसन, इसमें वापस दोनों पैरों को खोल लें, दायां हाथ सांस भर के आसमान की तरफ ले जाएं, धीरे धीरे बाईं तरफ अपने पूरे शरीर को मोड़ें और सांस को छोड़ते जाएं। धीरे से वापस, यही बाईं तरफ से बायां हाथ ऊपर, सांस भर के, सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, धीरे धीरे लेते जाएं, धीरे से वापस। ये भी आप 5-5 बार दोनों तरफ से कर सकते हैं, 5 दाईं तरफ से, 5 बाईं तरफ से। अब बैठ के करने वाले आसन, इसमें आप अपने मैट पर आराम से बैठ जाएं, आपके पैर सामने सीधे, कमर सीधी, दोनों हाथ धीरे से आसमान की तरफ ले जाएं, अपने पूरे शरीर को आसमान की तरफ इस तरह खींचें, एकदम सीधा, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें। एक बार फिर सांस भरते हुए आसमान की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने झुकें और अपने दोनों पैरों को छूने का प्रयास करें। एक बार फिर धीरे से ऊपर। इस आसन को पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं। इसको आप 5 बार
अपने रोज प्रयास में ला सकते हैं। अब चक्की चालन, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें, दोनों हाथों को आपस में बांधें, धीरे से सांस भरें और दाईं तरफ से अपने पूरे शरीर को आगे से लेकर जाएं और पीछे से धीरे से वापस आएं। ध्यान रहे आपके दोनों हाथ की कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहें और पूरा एक गोल चक्कर अपने पैरों से बनाते हुए आए। यही प्रक्रिया उल्टी तरह एक बार पूरे शरीर को पूरी तरह आगे ले जाएं, धीरे से पीछे, धीरे से सामने लाके छोड़ दें। अब लेट कर करने के लिए नौका आसन, दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के साइड में रखें, धीरे से सांस भर के दोनों हाथ दोनों पैर हवा में, धीरे से अपने शरीर को ऊपर हवा में उठाएं, सांस छोड़ के धीरे से वापस, एक बार फिर सांस भर के दोनों हाथ दोनों पैर हवा में, आपका पूरा शरीर धीरे से सांस छोड़ के वापस। धीरे से करवट लेके पेट के बल आ जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के साइड में रखें। भुजंगासन के लिए धीरे से सांस भर के अपने शरीर को नाभि तक खींचिए ऊपर आसमान की तरफ। धीरे से सांस छोड़ के वापस। एक बार फिर धीरे से सांस भर के अपने पूरे शरीर को नाभि तक आसमान की तरफ खींचे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस अपने योगा मैट पर। धीरे से शशांकासन, अब हम प्राणायाम का प्रयास करेंगे। अपने शरीर को अपनी सांसों को सामान्य करें। पहला प्रयास अनुलोम विलोम। पहले इसको शुरू करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपकी सांस आपकी दाई नासिका से चल रही है या आपकी बाई नासिका से। अगर आपकी सांस आपकी दाई और बाई दोनों से ही चल रही है तो आप दाई नासिका से इसका प्रयास शुरू कर सकते हैं। पहले बाई नॉस्ट्रल को अपने दोनों बीच के उंगलियों से दो बंद करेंगे, धीरे से राइट नॉस्ट्रल से एक गहरा लंबा सांस लेंगे, अब अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, धीरे से
अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से अपना सांस बाहर निकालेंगे। अब धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल एक बार फिर राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल धीरे से रिलैक्स। ये ध्यान रहे कि जब भी हम अपना अनुलोम विलोम राइट साइड से इनहेल कर रहे हैं तो लेफ्ट पे कंप्लीट करना है, और अगर हम लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं तो राइट पे कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे क्रिया पे, शुद्धि क्रिया पे जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। इसमें हम अपने पेट पे पूरी तरह से पंपिंग की मशीन की तरह अपने पेट को इन एंड आउट करेंगे। धीरे से एक गहरा लंबा सांस लें, एक गहरा लंबा सांस छोड़ें, एक बार फिर एक गहरा लंबा सांस लें। अब धीरे से अपने स्टमक को पूरी तरह से अपनी सांस के द्वारा अपने शरीर के भीतर खींचते जाएं, और जैसे अपने शरीर के अंदर आप अपनी मसल्स को अंदर खींच रहे हैं वैसे ही सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर, अब इसको हम फोर्सफुली कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। धीरे से शांत एक गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ देंगे। धन्यवाद।